जानवरों की बड़ी अहमियत है। देखो जानवर को भी तकलीफ मत पहुंचाओ, असियत मत पहुंचाओ। खुद आप देखेंगे जब मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास जब आपने अपना आखिरी इफ्तार किया था और आपने रुख्सत में यही कहा था मुर्गाबियों को देख कर, उम्मे कुलसूम देखो इन जानवरों को घर में जब पाल रहे हो तो इनका ख्याल रखना, इनका ख्याल रखना। अगर इनका ख्याल नहीं रख सकते हो तो इनको आजाद पर तो छोड़ दो, अल्लाह छोड़ो ताकि खुद अपना रिस्क पैदा करो। किस कदर इस्लाम अहमियत दिया है जानवरों के लिए। एक शख्स कहता है ये वाकया करामात और रज़विया में दर्ज है। शख्स कहता है निसफ शब थी मैं आठवें इमाम के रोजे के सामने खड़ा हुआ था, यानी चौराहे पे जहाँ पर चौराहा होता है जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, चौराहे पर खड़ा हुआ था। मैंने देखा कि इस चौराहे पर जो है एक कुत्ता है कि जो गुंबद को देख रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे। मैं देखकर ताज्जुब करने लगा कि जानवर है मगर देखें आप इस कदर एहतराम और मोहब्बत और उल्फत, गुंबद की तरफ देख रहा है, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो मैं उसको बस देखते हुए वहाँ खड़ा रह गया। थोड़ी देर बाद देखा कि बेहतरीन मर्सिडीज आई और आने के बाद जो है वहाँ रुकी। रुकने के बाद दरवाज़ा खोला गया, खोल कर उस कुत्ते को गाड़ी में बिठाया गया, गाड़ी में बिठा कर वो मर्सिडीज रवाना हो गई। तो मैं फौरी ये देखकर ताजुब करके मैं भी उस गाड़ी के पीछे गया कि भाई ये माजरा क्या है, ये माजरा क्या है। मर्सिडीज का पीछा करके मैं जब गया तो एक बहुत ही आलीशान मकान था, बहुत बड़ा आलीशान मकान। उसमें गाड़ी जब अंदर गई दाखिल हुई तो मैं भी जो है उस गाड़ी के पीछे गया। जाने के बाद उस साहिब खाना से मैंने सवाल किया कि भाई मैं ये माजरा मैंने देखा है सब, इसका सबब क्या है, वजह क्या है, ये क्या माजरा है। तो उसने कहा कि आइए बैठे तशरीफ रखे मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा कि ये जो है कुत्ता हमारे बाग का निगहबानी करने वाला कुत्ता था, इसलिए कि इस्लाम जो है वो कुत्तों को पालने की इजाज़त देता है कि जो बाग या प्रॉपर्टीज वगैरह की जो हिफाजत करते हैं, कारखाने वगैरह या खेती वगैरह के लिए इस्लाम इजाज़त दिया है। ऐसे कुत्तों को खरीदा भी जा सकता है इस नीयत से और रखा भी जा सकता है जो इस्लाम इस चीज़ में इजाज़त देता है। तो कहा कि हमारी प्रॉपर्टी की जो है निगहबानी के लिए इसको रखा गया था, मगर जो है ये चंद दिन पहले बहुत बूढ़ा हो गया, इतना बूढ़ा हो गया था कि अब हम बोले कि भाई इसको रखे खाली पाल के फायदा नहीं है, इसको छोड़ दो, आज़ाद कर दो, इसको छोड़ दो। बोल के हम छोड़ दिए, बाहर ले आके छोड़ दिए, इसको बढ़ा दिए ऐसे। आज रात में मैं जब सो रहा था तो रात में मैंने ख्वाब में आठवें इमाम इमाम अली इब्ने मुसा देखा, देखने के बाद इमाम मुझसे नाराज है और इमाम कह रहे हैं कि जिस कुत्ते से तुमने जिंदगी भर काम लिया जब वो बूढ़ा हो गया तो उसे छोड़ दिया अल्लाह की राह में, हम तुमसे नाराज हैं, हम तुमसे नाराज हैं। यहाँ तक कि अगर तुम उसको लाओ अपने घर में लाओ, लाकर उसे वापस रखो और जब तक वो जिंदा है उसका देखभाल करो। इस वक्त वो हमारे गुंबद के सामने खड़े होकर तुम्हारी शिकायत की दुआ करे। इमाम ने कहा इस वक्त इस चौराहे पर खड़े होकर तुम्हारी शिकायत हमसे कर रहा है। तो जैसे मैंने सुना कि ख्वाब में देखा, मैं फौरी बेदार हुआ और बेदार होकर मैं उस चौराहे पर आया, देखा वहां पर वो कुत्ता बैठा हुआ था। मैंने उसे वापस एहतराम से अपनी गाड़ी में बिठाया, लाकर रखा और मैं इसे जब तक ये जिंदा रहेगा मैं इसकी देखभाल करूंगा। जाने लगा मैं देखें किस कदर अहले बैत अलैहिस्सलाम रऊफ है, किस कदर मेहरबान है, हत्ता जानवर की भी दुआओं को कबूल करते हैं, जानवर भी जब इनके सामने आके इल्तिजा करता है तो कबूल कर लेते हैं। السلطان
حسن مولاي.